व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उजाला के किचन में वेलकम। आज हम लेके आए वो आपके लिए, ये चाट का मसाला बनाना है हमें, उसका मसाला लेके आए दिखाने के लिए। देखें हम मसाले में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अपने। ये सबसे पहले तो ये है साबुत धनिया, ठीक है। ये साबुत धनिया जो है ये 6 चमचे हैं, ये वाले, ये वाला जो हमारा ये चमचा है, ये 6 चमचे हैं ये वाले। और ये है काला नमक, ये है इसमें 2 चमचे। और ये है आमचूर यानी पिसी खटाई, ये है इसमें 3 चमचे। और ये है इसमें टाटरी, ये छोटा चमचा है मीडियम। ये टाटरी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा पिसी खटाई इस्तेमाल करते हैं। और ये 1 चमचा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 2 चमचे हैं। ये हमारे पास अजवाइन है, ये 1 चमचा है। और ये सौंफ है, ये भी 1 चमचा है। और लाल कश्मीरी मिर्च है लाल, और ये भी ये वाला, ये 1 चमचा है, ठीक है। और ये हल्दी है, ये छोटा चमचा है, इसलिए इसमें डाल दिया था ताकि पता चले ये छोटा हल्दी है पिसी हुई। और ये काली मिर्च है, ये भी ये वाला 1 चमचा है, ठीक है। ये नमक वाइट वाला नॉर्मल जो हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं, ये वो है, ठीक है। इसको डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों को मिलाते हैं। लेकिन हम ये, ठीक है, ऐसे ही सब अभी हम पीसेंगे, उसमें चॉप करेंगे मशीन के अंदर, ठीक है। अभी हम देंगे, अभी ये सारा मसाला हम ग्राइंड करेंगे। अच्छे मज़े का होता है, खुशबूदार। ये देखें अभी ये सब पीस लिया है, रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कम पैसों में बेहतरीन, समझ लें ये तैयार हो गया। बाहर से इतना ख़रीद के लाते तो वो महंगा भी पड़ता और भरोसा भी नहीं होता कि क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, किस तरह तैयार किया, अमूमन गले ख़राब होते हैं इससे। माशाल्लाह से रेडी है और बहुत बेहतरीन है, खुशबू भी आ रही और कलर भी अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी पीसी हुई, इसलिए इसका कलर ऐसा है, ठीक है। और आपको पसंद आए तो बनाइए, हमारे तरीके से बनाइए। और हमारे पास कमेंट्स आए थे इसमें कि हमें चाट मसाला भी बताएं बनाना, तो इसलिए मैंने बनाया चाट मसाला। और बाकी ये कि और कुछ बोलिएगा तो वो भी हम बनाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आगे इजाज़त दीजिए उजाला को, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।